स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 9 में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यानी किसी पदार्थ का तापमान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह अवस्था में बदलता है, किस अवस्था में चेंज होता है, इसके बारे में। दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी किसी पदार्थ के दाब में परिवर्तन कर दें, दाब को बढ़ा दें, दाब को कम कर दें, तो उसके तापमान में, उसके ताप में, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीन बोर्ड पर देखेंगे, दिया है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। हम आपको बात करते हैं, बताते हैं। एक हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है, इस बर्फ को, टुकड़े को हम यहाँ पर अगर तापमान दें, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टी को बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे तापमान देते जाएंगे, या जो बर्फ का टुकड़ा जो कंटेनर में है, यह जो है पिघलता हुआ चला जाएगा, यानी अपनी अवस्था को चेंज कर देगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बर्फ के टुकड़े को अगर आप नीचे से गर्म करें, आग दें उसे, तो टेम्परेचर को पा करके वह अपनी अवस्था को चेंज कर देगा। जब बर्फ था तो वह ठोस की अवस्था में था, जब हमने उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाएंगे, ताप देते जाएंगे, इसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी बढ़ने के कारण इनके पदार्थ के कणों के बीच में जो अंतरार्विक आकर्षण बल होते हैं वह कमजोर होते जाएंगे, और अंतरार्विक जो आकाश है वह बढ़ता जाएगा। तो एक समय आता है वह पदार्थ ठोस पदार्थ से वह चेंज हो जाता है और वह पानी के रूप में चेंज हो जाता है। वह बढ़ा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, यानी टेम्परेचर से किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठोस पदार्थ को अगर आप ताप दें, किसी भी ठोस पदार्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस पदार्थ की जो अवस्था होगा चेंज हो जाएगा, अर्थात वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं, यह तो रहा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो ठोस पदार्थ का जो आकार होगा, जो अवस्था होगा, वह चेंज हो जाता है। अवस्था चेंज होने के कारण ये है कि हम इसके, ये कोई ठोस पदार्थ है, इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलने के कारण जो अणु के बीच में अंतरार्विक आकर्षण बल होता है वह कमजोर होता जाएगा, छिर होता जाएगा, और अंतरार्विक स्थान जो है बढ़ता जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो पदार्थ की अवस्था चेंज होती जाएगी। तो एक चीज क्लियर हो गया है, निष्कर्ष निकलता है कि अगर ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाते जाएं तो अपनी अवस्था को चेंज कर करके वह द्रव की अवस्था में, अगर और गर्म करते हैं, जैसे पानी है, अगर पानी को और गर्म करते हैं तो वह जो होगा एक समय आएगा गैस बन करके उड़ता जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि ताप बढ़ाते जाएं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड अगर और ज़्यादा टेम्परेचर देते जाएं तो वह गैस में चेंज हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये तो रहा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तब। अब बात करते हैं, अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये ठंडा का बोतल है, इसमें कोई एक पेय पदार्थ, ठंडा पदार्थ भरा हुआ है, तो कोई भी पेय पदार्थ जब रहता है तो उसमें जो गैस होती है CO2 गैस और H2O गैस, यानी इन दोनों का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं H2CO3, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ज़्यादातर पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल यानी CO2 गैस और H2O लिक्विड का मिश्रण होता है। अब देखते हैं, इसमें पेय पदार्थ है ये, अब ये पेय पदार्थ के कणों के बीच में अब हम क्या करते हैं, यह धूप में रखा हुआ डब्बा शीशी है, ये जो है इसको उठा करके हम टेम्परेचर को कम करते हुए यदि इसको फ्रीज में रखते हैं, जब फ्रीज में रखेंगे तो होगा क्या, जो यह कण है, एक कण दूसरे कण जब टेम्परेचर डाउन करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है यानी वह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अंतरार्विक स्थान जो होता है, जब द्रव था तो इनके बीच में यह दूरी थी, जब इसको फ्रीज में रख देते हैं
तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो डाउन होने के कारण, कम होने के कारण कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ता जाता है और दोनों कण बहुत पास पास हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई द्रव पदार्थ है, अगर उसके टेम्परेचर को घटा दें तो वह अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं यह जो इसमें लिक्विड की अवस्था में थी, जब इसको फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर दिया गया, यह जो लिक्विड पदार्थ था अब ठोस का रूप धारण कर लेता है। और देखेंगे जब इसको धूप यदि फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो यह जो यहाँ लिक्विड था अब यह सॉलिड के रूप में चेंज हो गया रहता है, क्योंकि अगर पदार्थ के कणों के बीच में प्रबल बंध बनाना है, अगर उनके बीच में दूरी कम करना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और आकर्षण बल को अगर और बढ़ाना है टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गया, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज होगा, अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, यह एक बंद कंटेनर है, इसमें गैस है, अगर इस गैस का हम चाहते हैं कि इनके आस्था अवस्था परिवर्तित हो जाए तो इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, तो कम करेंगे तो इनके अंतरार्विक आकर्षण बल है जो अब यह बढ़ता जाएगा। बढ़ने के कारण हम जानते हैं अंतरार्विक स्थान और अंतरार्विक आकर्षण बल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर आकर्षण बल बढ़ता जाता है तो पदार्थ के कणों के बीच में दूरी कम होती जाएगी और एक समय आएगा पदार्थ बहुत पदार्थ के कणों के बीच दूरियां कम होती जाती हैं, जिससे वह लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से फिर गैस में चेंज होगा। इस तरह से हमें निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई ठोस पदार्थ है टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो द्रव में, और ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस में चेंज होगा। अगर कोई लिक्विड पदार्थ है, गैस पदार्थ है, अगर उनके बीच टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैस लिक्विड में चेंज होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करते हैं तो वह द्रव लिक्विड यानी सॉलिड की अवस्था में चेंज होगा। अब बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम देखते हैं एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हमने यहाँ पर CO2 गैस और H2O गैस का मिश्रण लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा CO2 गैस की अवस्था में है और H2O लिक्विड की अवस्था में। हम इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद एक पिस्टन लगा देते हैं और यहाँ पर इसको लगाते हैं। हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे यानी प्रेशर ऊपर से देंगे, तो जब ऊपर से प्रेशर देंगे तो ये जब दाब डालेगा तो CO2 गैस चूँकि गैस है तो द्रव से और ऊपर भागेगा, यानी गैस की है तो गैस के कणों के बीच में अंतरार्विक आकाश जो होता बहुत अधिक होता है तो इसके कण बहुत दूर दूर होंगे। जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, यह जो गैस होगा इस द्रव में आएगा डूबने, यानी यह एक समय आएगा प्रेशर लगाते जाएंगे तो यह गैस के कण H2O में विलय हो जाएंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी पदार्थ पर, अगर किसी द्रव पदार्थ पर अगर दाब अप्लाई करते जाएं, उसके दाब को बढ़ाते जाएं, तो द्रव के बीच में जो आकर्षण बल है बढ़ता जाएगा और अंतरार्विक स्थान जो है वो घटता जाएगा, तो वह पदार्थ जो होगा जो लिक्विड अवस्था में था आपने प्रेशर को लगा करके, प्रेशर को बढ़ा करके सॉलिड में आपने चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं जो LPG सिलेंडर आते हैं, LPG हम जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके उनको वह उस गैस को लिक्विफाइड किया गया रहता है। जैसे मान लीजिए CH4 गैस है, C2H6 मीथेन एथेन गैस है, तो हम जैसे जैसे प्रेशर को कम करते जाते हैं जो लिक्विफाइड गैस था यानी लिक्विड में बनाया गया था, जब प्रेशर को हटाएंगे तो लिक्विड बना हुआ गैस, जो लिक्विड बना हुआ पदार्थ था वह सीधे अब गैस के रूप में निकलता जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई गैस है, अगर उस गैस को दाब लगा करके द्रव की अवस्था में चेंज किया गया है और जब उसका दाब कम करेंगे तो अब द्रव बना हुआ गैस पुनः गैस के रूप में
परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अगर दाब को कम करते जाएं तो वह लिक्विड जो होगा गैस के रूप में चेंज हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।